फाइनली यहाँ पर पहुंच गए। इसका स्टेशन कोड है DLI, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, ओल्ड दिल्ली जंक्शन। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 16 है और 68 गाड़ियाँ यहाँ से ओरिजिनेट होती है और 66 गाड़ियाँ यहाँ पर टर्मिनेट होती है। भाई बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म 16 है इसके। मैं पानी भरता हूँ फिर कंटिन्यू करते हैं, तब तक आप ये सारा कुछ सीन देख लो भाई। ओल्ड दिल्ली का 9:34 हो रहे हैं, 2 घंटे गाड़ी लेट हो गई हमारी। पहले ऐसा सीन नहीं था, अभी ज़्यादा लेट हो गई। भाई हमने पानी भर लिया, अभी तो देखना जर्नल वाले कोच में सामान भर रही है, ऐसा सीन हो रहा है। ये तो गलत है ना, देखो बैक साइड में जर्नल वाले कोच में सामान भर रहे हैं, बंदे कहाँ जाएंगे यार। अभी टाइम हो रहा है देखो 9:55 और अभी गाड़ी का डिपार्चर हो रहा है ओल्ड दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन से। अब यहाँ से 150 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद में हम पहुँच रहे हैं मुरादाबाद। उस वाली लाइन से जाएंगे बरेली, शाहजहाँपुर, फिर पहुँचेंगे लखनऊ। मतलब ये अलग ही बहुत कम स्टेशन आने वाले हैं, 150 किलोमीटर के बीच में स्टेशन आने वाले हैं। अभी एक स्टेशन स्किप हो रहा है, आई थिंक गाजियाबाद है, बट इसका नाम नहीं दिख रहा भाई साहब, नाम नहीं दिख रहा, ऐसा स्टेशन है देख लो। ठीक है, बट फ़ोन चोरी होने का डर रहता है यहाँ पर, इसलिए मैं अंदर कर देता हूँ। गाजियाबाद था यार, गाजियाबाद जंक्शन। अभी सीन देखो यार, वैग फोर है, कौन सी गाड़ी है ये? भाई मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन पहुंच गए, देख लो ऐसा कुछ स्टेशन है। भैया चाय लेके आ रहे हैं, इस टाइम पे हैं लोग बट कम लोग हैं, और ऐसा लग रहा है कि लाइक सेफ है रेलवे स्टेशन, इन केस अगर आप नाइट में आते हो तो सेफ है एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। दिल्ली से ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा सेफ है, और इस टाइम ठंड में सबकी कुल्फी जम रही है, सब इस तरह से मतलब बैठे हुए ना, सबकी कुल्फी जम रही है गाइस। भाई मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन देख लो, लगातार 605 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद में हम पहुंच चुके हैं मुरादाबाद जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है MB। भाई 110 गाड़ियों का यहां पर होल्ड होता है, नंबर ऑफ 22 गाड़ियां यहां से ओरिजिनेट होती हैं, टर्मिनेट होती हैं, और नंबर ऑफ 7 प्लेटफॉर्म है इसके। मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन नाइट में कुछ ऐसा दिखता है, देखो ऐसा कुछ सीन है, सेफ लग रहा है मेरे को एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। दिल्ली से तो काफ़ी सही लग रहा है ये। यहाँ पर इस गाड़ी का 8 मिनट का होल्ड होता है, ये गाड़ी भाई 1 घंटे 20 मिनट लेट आई है। वैसे इसका ये टाइम नहीं था, 11:50 का टाइम था, ये आ रही है 1:10 भाई, 1 घंटे 20 मिनट लेट है गाड़ी। और मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया हूँ, एक्सपीरियंस अच्छा जा रहा है, जर्नी बहुत अच्छी जा रही है। यहाँ पर लोग चढ़े बरेली में उतरेंगे, बरेली में चढ़ेंगे, तो ऐसी जर्नी हमारी लगातार बनी रहेगी, अच्छी जा रही जर्नी। सीट वीट है तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है। बाकी यहाँ पर मेरे को अच्छा लग रहा है, खुला खुला एरिया है, और मेरी गाड़ी आई प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और भाई 5-7 प्लेटफॉर्म इसके, टर्मिनल भी हैं कुछ प्लेटफॉर्म, तो इसकी वजह से ये 7 है, वरना तो मुझे 5 ही दिख रहे हैं। इधर आप सीन देखो भाई, खाने पीने का आपको सारा सामान मिलता रहेगा, रात में भी आप किसी भी टाइम आओगे, समोसे वमोसे कचौरी, ठीक है ना, ये समोसे वमोसे हो गए। आगे दुकानें बहुत सारी देखो लगी है, एक ये लगी है, एक वो लगी है, और ये भी है भाई, चाय भी बेच रहे हैं यहाँ पर। भाई सब कुछ मिलता रहेगा, जिस टाइम ये गाड़ी आएगी उस टाइम मिलेगी। भाई ब्लू ICF कोच का सबसे बड़ा नुकसान ये रहता है कि ये इंटरलॉक मतलब कनेक्टेड नहीं रहते हैं, इतना गैप होता है, कनेक्टेड नहीं होने की वजह से एक डिब्बे में जितनी भीड़ होगी तो उतनी भीड़ उसमें बनी रहेगी, इस डिब्बे में अगर भीड़ नहीं है तो नहीं ही होगी, क्योंकि बंद होंगे किसी को पता ही नहीं होगा। देखो इधर लोग ये नीचे बैठे हैं, इन्होंने बंद कर रखा है, ठीक है ना, उधर भी बंद कर रखा है, खोला ही नहीं, देखो ये वाला डिब्बा ही नहीं खोला इन्होंने, ऐसा सीन है। देखो अगर इससे भीड़ नहीं है तो नहीं रहेगी, क्योंकि ये खोलेंगे ही नहीं। सो 10 मिनट के होल्ड के बाद में हमारी गाड़ी का डिपार्चर शुरू हो चुका है मुरादाबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन से। भाई बड़ा अच्छा रेलवे स्टेशन है। अब आपसे मुलाकात होगी बरेली में, भाई बरेली, शशांक और अनस का घर बरेली, चलो बरेली में मिलते हैं। सेक्शन देखना कितनी स्मूथ गाड़ी चल रही है, thank you।
लुक एट दिस गाइस, फॉग भाई, जीरो विजिबिलिटी में गाड़ी चल रही है। भाई आप इधर देखो, क्या ही सीन है भाई। हम बरेली पहुंच रहे हैं, बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन। 1:19 का टाइम था और 3:19 पे पहुंच रही है, 2 घंटे लेट हो गई। बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन, 2 घंटे लेट हो गई गाड़ी। गाइस हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है बरेली जंक्शन रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। देख लो कुछ ऐसा स्टेशन है भाई, आगे आगे गाड़ी जा रही है। ये सारे लोग चढ़ने के लिए बेताब हैं, सारे लोग अंदर जाने के लिए बेताब हैं। यहाँ पर सारे लोग उतर रहे हैं। देखो जर्नी हमारी बहुत लंबी चल रही है भाई, बहुत लंबी। गाड़ी देखो कितना लेट हो गई। और यहाँ पर अभी सीन देखो यार, क्या फॉगी फॉग है, क्या ही ठंडी ठंड है, देख रहे हो क्या सीन है। गाड़ी का टाइम था भाई मतलब 1:20 था और ये आ रही 3:20 भाई, 2 घंटे लेट हो गई हमारी गाड़ी। बट कोई ना, एक तो फॉग की वजह से भी लेट है, दूसरा इसने टाइम कवर किया था बीच में, 1 घंटा कवर कर लिया था, लेकिन फिर वो लेट हो गई फॉग की वजह से। बरेली का स्टेशन कोड है BE, ठीक है। नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म इसके 4 हैं, ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं है। यहाँ से अनस और शशांक है, इसलिए मैंने सोचा भाई बरेली देखेंगे एक बार। और बरेली का बहुत पहले से नाम सुनते हुए आ रहे हैं, बरेली के झुमके, ठीक है ना, मतलब बहुत सारी चीज़ें। तो मैंने सोचा बरेली एक बार देखूंगा, तो इस टाइम पहुंचूंगा ये नहीं सोचा था, 3 बजे रात के वो भी ब्लू आई से कोच, भाई पुराना वाला फील आ रहा है। 148 गाड़ियों का यहाँ पर होल्ड होता है और 12 गाड़ियाँ यहाँ से ओरिजिनेट होती है और टर्मिनेट होती है। भाई ये NR में आता है, स्टेशन बहुत अच्छा है, बहुत शांत सा है, लेकिन दिन में अगर आता ना तो और अच्छी तरह से दूर दूर तक देख सकता था। अभी नाइट में क्या फॉग की वजह से ज़्यादा दूर तक मैं देख नहीं पा रहा हूँ भाई, ज़्यादा दूर तक दिख ही नहीं रहा है। और उस साइड में तो कोई मतलब गाड़ी खड़ी है, देखो माल गाड़ी खड़ी है, तो इसमें भी दिक्कत है। बट कोई ना, जर्नी चल रही है हमारी। अब मैं सोऊंगा, अब मैं सीधा लखनऊ में मिलूंगा, क्योंकि भाई यार थोड़ा अपने लिए देख लेने दो, क्योंकि यार 24 घंटे हो जाएंगे मुझे, अगर मैं सोया नहीं ना कल का दिन बहुत ख़राब जाएगा। तो अब मैं सोऊंगा, अब शाहजहाँपुर आएगा उसको मैं स्किप करूंगा, लेकिन लखनऊ से मैं कंटिन्यू फिर से आपको दिखाने लग जाऊंगा। गुड मॉर्निंग गाइस, अभी बाहर का सीन देखो, अभी हम पहुंच रहे हैं लखनऊ। लखनऊ लेट हो गए बट कोई ना, लखनऊ पहुंच रहे हैं। इस बार नया सेक्शन है भाई, हरदोई वाले रास्ते से आए हैं। हरदोई मतलब जो कि मतलब ये गंगा पार पड़ता है, ठीक है। पहले मैं आया था कानपुर साइड से, जब मैंने मरुधर की थी, और ये जो कही ये बरेली वाला ये नया रास्ता था। बरेली के बाद में मैं जगने की कोशिश कर रहा था कि लाइक पूरा कैप्चर करूँ, इसको पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि नींद भी पूरी करनी थी। अदर देन आज मैं सही से शूट नहीं करवाता, आज मैं काम नहीं करवाता, वहाँ जाके सोना ही पड़ता, इसलिए मैंने बरेली के बाद में शाहजहाँपुर था उसको स्किप मारा था, ठीक है। जग रहा था बट मैंने उसको रिकॉर्ड नहीं किया, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि लाइक नीचे उतर के उसको रिकॉर्ड करूँ जाके। फिलहाल अभी हम फिर से अब लखनऊ आ गए, लखनऊ से कंटिन्यू करते हैं, एक स्टेशन स्किप कर दिया। ये आ रही है कानपुर उन्नाव वाली लाइन। लास्ट टाइम इस लाइन से आए थे हम, अब की बार इस वाली लाइन से आए। टाइम हो रहा है 8:25 और गाड़ी और ज़्यादा लेट हो रही है, आउटर में रोक दी भाई। भाई इसका टाइम ये नहीं था, ये जेन्युइन बता रहा हूँ, 4 घंटे और लेट कर रही है। 3 घंटे तो लेट चल ही रही थी, ये 4th घंटा मतलब लग गया है समझ लो। अब देखते हैं किस टाइम पे पहुँचेंगे और किस टाइम पे अयोध्या पहुँचूंगा मैं। ये गाड़ी भाई इतना लेट किया है ना इसने, पूछो ही मत। गरीब गरीब नवाज है ना, तो वही वाली हरकतें कर दी इसने। पर कोई ना,
लखनऊ पहुँचते हैं, वहाँ 10 मिनट का होल्ड है, उसके बाद में मे भी ये ज़्यादा आगे जल्दी निकाल दें। वैसे एक बार गाड़ी लेट होती है ना तो उसको लेट करते ही रहते हैं जो कुछ भी हो जाए। बाकी गाड़ियों को निकालेंगे ऑन टाइम पे, बट इसको लेट कर देंगे। V4 लोकोमोटिव त्रिवेणी एक्सप्रेस गाइस, त्रिवेणी एक्सप्रेस जा रही है। गुड मॉर्निंग गाइस, हम पहुंच चुके हैं लखनऊ। भाई आगे आगे बैठने का फायदा ये हुआ कि सबसे आगे आके हम रुके, भाई पूरा सब कुछ पीछे छूट चुका है। हम पहुंच चुके हैं लखनऊ। लखनऊ चारबाग है आई थिंक, क्योंकि जंक्शन तो दिख नहीं रहा है भाई, चारबाग ही है। लेकिन लास्ट टाइम मैं आया था तो अलग था यार, तब ऐसा कुछ सीन था, तब अलग था। अभी देखो ऐसा सीन है भाई, मतलब इधर देखो पूरा ही फॉग हो रहा, कुछ दिख ही नहीं रहा है। इधर ये है हमारी गाड़ी गाइस, देख रहे हो ब्लू ICF कोच के साथ हमारी जर्नी हो रही है। और इसमें याद रखना पड़ता है डिब्बा कौन सा है, क्योंकि ये देख रहे हो बीच में सेक्शन अलग है ना, इसलिए याद रखना पड़ता है ये वाला सेक्शन है, ये वाला डिब्बा है मेरा। भाई 10 मिनट का होल्ड है, इतनी जल्दी थोड़ी ना ले जा सकता है ये यहाँ से, पता भी नहीं है भाई। अगर चलने लग जाएगी तो मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है ना, मैं अयोध्या में जाके ये करूँगा और गाड़ी में बैठ के चला जाऊँगा। यहाँ से भाई इसकी 6 लाइनें जाती है मालूम है, एक तो उन्नाव कानपुर वाली, दूसरी हरदोई वाली जिससे हमारे, तीसरी सुल्तानपुर से जौनपुर के लिए वाया सुल्तानपुर, चौथी रायबरेली वाली, पांचवी ये अयोध्या वाली बाराबंकी वाली जाती है, और एक और लाइन जाती है भाई। लखनऊ से 6 लाइनें अलग अलग होती है। और ये भाई जंक्शन है, नंबर ऑफ प्लेटफॉर्म इसके 9 या 11 है, 9 है आई थिंक यार। यहाँ पर टाइम है फिर भी ये हॉर्न बज रहा है, पता नहीं क्या सीन है। मैं ऐसा करता हूँ ब्रश कर लूँ, उसके बाद में कंटिन्यू करूँगा। इधर आप सीन देखो भाई, सब लोग ब्रश कर रहे हैं सुबह सुबह, भाई सारे लोग ब्रश कर रहे हैं भाई। किशनगंज अजमेर गाड़ी नंबर 15716, क्या ही मस्त है देखो इधर। सो गाइस टाइम हो रहा है 8:53 और अभी हो रहा है गाड़ी का डिपार्चर लखनऊ रेलवे स्टेशन से। भाई सबसे आगे आगे आके हम रुके थे, और यहाँ से देखो क्या मस्त लोकोमोटिव खड़ा है यार। लखनऊ 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 मेजर मोहित शर्मा अशोक चक्र WDP 4D, देखो उनके नाम पर ये लोकोमोटिव है। तो अभी हमारी गाड़ी का डिपार्चर हो गया लखनऊ लखनऊ रेलवे स्टेशन से। चारबाग लिखा नहीं था इसलिए मैं बोल नहीं रहा, और ना ही जंक्शन लिखा था इसलिए जंक्शन भी नहीं बोल रहा हूँ, सिर्फ लखनऊ से हुआ है इतना समझ लो। आगे फॉग देखो कैसा हो रहा है, यहाँ से नई लाइन होने वाली है। लास्ट टाइम हम गए थे सुल्तानपुर वाली लाइन में, गाड़ी जेन्युइन बहुत ज़्यादा लेट हो गई, बहुत ही ज़्यादा। 9 बज रहे हैं देख रहे हो, 9 बज रहे हैं गाड़ी अब छूट रही है यहाँ से। 8 बजे का अयोध्या का टाइम था, अब 9 से 10, 10 से 11, 11:30 या 12 बजा देगी अयोध्या तक। भाई सनराइज हो गया, धूप निकल रही है देख रहे हो, सीधा किरने आ रही है। और अगर थोड़ी तेज और निकले ना, ये जितना भी फॉग हो गया ना सब खत्म हो जाएगा। और अभी फाइनली हमारी गाड़ी फुल स्पीड में चलना स्टार्ट हुई है, अब इसने यहाँ से खींचना स्टार्ट किया है क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी लेट हो गई बहुत ज़्यादा। ओ यार ये अलग ही है, लखनऊ सेकेंड टाइम। नहीं सकता एटलीस्ट लोकोमोटिव तो दिख रहा है। सही है यार,
कहीं से भी ट्रैक देखो। भाई क्या ही गाड़ी चल रही है। सेक्शन देख रहे हो गाइस, क्या मस्त सेक्शन है, फॉगी फॉगी जम रखा है। इसका रूट चेंज हो गया गाइस, ये सुल्तानपुर जा रही है, सुल्तानपुर से अयोध्या जाएगी। इसका रूट चेंज हो गया गाइस। वैग 9 गाइस, पूरा सेक्शन ही अलग है, पूरा सेक्शन, पूरा रास्ता कर्व में बना है। देखो पूरा रूट कर्व में है गाइस, इधर देखो गाइस, मस्त रास्ता बना है यार, पूरी गाड़ी घूम गई। लास्ट कोच दिख रहा है, लास्ट येलो दो कोच दिख रहे हैं गाइस। सो गाइस, अभी हम पहुंच चुके हैं सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन, सुल्तानपुर जंक्शन। उधर देखो WDG 4G खड़ा है, और ये वाली लाइन गई है अपनी सीधा जौनपुर होते हुए वाराणसी, और ये वाली लाइन गई है अयोध्या कैंट, अयोध्या के लिए ये वाली लाइन गई, यहीं से मतलब लाइन चेंज हो जाती है। हमारी गाड़ी आई थिंक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे गई है शायद। देखो यहाँ से कब होने लग गया ना, तो ये इधर जा रही है गाड़ी। सुल्तानपुर जंक्शन गाइस, उस टाइम हम उस वाली लाइन पे आए थे जब हम वाराणसी गए थे मरुधर में, जिसमें जब ट्रैवल किया था। आज हम इधर ट्रैवल कर रहे हैं, तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ही आइए। टाइम हो रहा है 11:36। देखो पूरा कर्व में बना है, और स्टेशन पे ही हमारी गाड़ी डाइवर्ट हो जाएगी इस साइड में। टाइम हो रहा है 11:40, और वैसे यहाँ पर इसका स्टॉप नहीं था, क्योंकि ये रूट ही नहीं था। रूट इसका रायबरेली वाला था, नहीं सॉरी बाराबंकी वाला था, ठीक है। बाराबंकी गाड़ी गई नहीं, तो अब यहाँ से सुल्तानपुर से लेके जा रहे हैं उधर अयोध्या, अयोध्या से फिर उस वाली लाइन में मोड़ देंगे। भाई गाड़ी बहुत लेट हो गई, अयोध्या का टाइम था इसका सुबह 8 बजे का, और अभी 11:40 हो रहे हैं, अभी गाड़ी यहीं पर है। तो ऑलमोस्ट एक मान लो, एक तो हमारे ख्याल से एक बच जाएगा, क्योंकि यहाँ से 65 किलोमीटर है। गाड़ी पहले बहुत स्लो भी चल रही थी फॉग की वजह से, इसलिए मैंने ये वाला रास्ता कवर नहीं किया, मतलब अच्छी तरह से ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि रूट वही था। अब यहाँ से नया रूट हो गया हमारा सुल्तानपुर से भाई अयोध्या के लिए। चलो लेके चलते हैं और जर्नी ख़त्म करते हैं पूरी। मतलब देखो यहाँ पे समोसे हमसे बिक रहे हैं सुबह सुबह, भाई समोसे ले लो, समोसे। उस साइड में देखो क्या सीन चल रहा है, सब मतलब समोसे बिक रहे हैं सुबह सुबह। खाने पीने का आइटम तो मिल जाएगा इसका मतलब, यहाँ पे किसी भी टाइम पे आओगे, नाइट में आओगे तब भी मिल जाएगा, सुबह आओगे तब भी मिल जाएगा। दस रुपये, नमक ज़्यादा डाल देना। अरे वाह पपीता, देखो भाई साहब देखो सबसे बेस्ट चीज़ सुबह का नाश्ता। भाई अभी हमने ले लिए समोसे, 3 समोसे 20 रुपये के मिले हैं मिर्ची के साथ में, अभी हम खाते हैं जल के गर्मा गर्म समोसे। देखो अभी 12 बजने वाले हैं, और अभी हम 12 बजे नाश्ता कर रहे हैं सुबह सुबह समोसे का। चाय नहीं पी क्योंकि मन नहीं कर रहा था, पपीता खा लिया, अब समोसे खाते हैं। और खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी नहीं आएगी तो काम नहीं हो पाएगा। भाई लेट हो गए बहुत ज़्यादा, अब जितने भी लोग आ रहे हैं ना भाई, देख लेना गाड़ियाँ ऐसी चलेंगी 22 तक यही हाल रहेगा, उसके आगे भी मे बी हो सकता है, या तो मतलब चेंज हो जाए। सोच समझ के आना और टाइम लेके आना। देखो गाइस टाइम हो रहा है 12:16, और गाड़ी का इंजन हट चुका है पीछे से,
रिवर्सल हो रहा है हमारी गाड़ी का भाई साहब, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रही। मैं तो भाई देखो पूछ रहा हूँ लोगों से, ये जाएगी या नहीं जाएगी बता दो, वरना मैं अगले स्टेशन पे उतर जाऊँगा। बोल रहा नहीं जाएगी, लोको पायलट से पूछा था, उसने कहा हाँ जाएगी वाया सुल्तानपुर होके जाएगी। अब यहाँ से भाई मेरे को आइडिया नहीं है, जिधर से आई है उधर ही फिर से गाड़ी जाएगी, फिर से मतलब उधर से रूट चेंज होगा उसका। सो गाइस फाइनली हमारी गाड़ी का रिवर्सल शुरू हो चुका है और अभी हम पहुंच रहे हैं अयोध्या की ओर। भाई साहब घर से निकला था अयोध्या के लिए, अभी तक पहुंचा नहीं, टाइम हो रहा है 12:25। भाई कब पहुंचूंगा मैं अयोध्या पता नहीं चल रहा है, 8 बजे का टाइम था। गलत शो करते हो गरीब रथ वालों तुम, ठीक है गलत मैं बताया करो, तुम्हारे चक्कर में कितने घंटे हो गए मेरे पता है। रिवर्सल हो रहा है, जिधर से आई थी उधर ही जा रही है गाड़ी। और ये पता नहीं ये आई है प्रयागराज संगम अयोध्या कैंट के लिए, ये भी जा रही है, ये लोकल है, ये लेट जाएगी, ये कैंट तक जाएगी, ये लोकल लेट। इधर भी आ जाओ वो लेट जाएगी, उससे पहले हमारी जा रही है अयोध्या कैंट, प्रयागराज संगम से अयोध्या कैंट के लिए। देखो क्या ही गजब चीज है। हाँ उल्टा चल रहा है ना अब, अयोध्या जाएगी लखनऊ से आई है, नहीं उधर नहीं है, ये तो वाराणसी वाराणसी वाला रूट गया है। अब उनकी मर्जी ले आ रहे हैं क्या करें। अब गाइस इधर से आए तो उधर ही फिर जा रहे हैं वापस। गाइस दो EMD लगे हैं, WDP 4D के दो लोकोमोटिव लगे हैं, देख लो भाई दोनों ही खींच रहे हैं प्रयागराज संगम अयोध्या कैंट गाड़ी को। बाय बाय सुल्तानपुर, बहुत जल्दी फिर से आएंगे। ये देखो WDG 4G स्टार्ट हो गया, क्या स्मोक निकल रहा है इसका। इधर हमारी गाड़ी अब यहाँ से देखो यार क्या क्या सीन है, उधर से आई थी कब वाले से अब इस रूट पे जा रही है सीधा। यहाँ से देखो गाइस रूट डाइवर्ट हो गया हमारी गाड़ी का, सीधा जा रहा है भाई अयोध्या के लिए, और ये आया है लखनऊ वाला रोड। यहाँ से रिवर्सल हो रहा है हमारी गाड़ी का, देखो अभी हम सबसे आगे बैठे थे अब सबसे पीछे हो गए गाइस, सबसे पीछे हो गए। चलो कोई नहीं, अब मतलब इस वे में जर्नी करेंगे तो मतलब अब जाके मैं इस वे में जर्नी कर रहा हूँ, अभी तक उल्टी गाड़ी चल रही थी, अब सीधी चल रही है मेरे लिए। सुल्तानपुर गोमती नदी, क्या खूबसूरत नदी है वे। ना ना सुल्तानपुर से भाई, क्या ही खूबसूरत नदी है देख रहे हो, और क्या मस्त कब चल रहा है। ओए होए ओ भाई साहब, भाई कब देखो पूरी गाड़ी कब हो गई है, सेक्शन क्या मस्त सेक्शन नहीं है। ओए होए होए फाइनली गाइस अयोध्या कैंट पहुंच गए, देखो भाई किस टाइम पे पहुंच रहे हैं। देखो ये गाड़ी खड़ी है गाजियाबाद वाली, ये यहां तक गाड़ी आ रही है, 2:03 हो रहे हैं इस टाइम पे हम पहुंचे हैं भाई। फाइनली अयोध्या कैंट पे पहुंच गए, बहुत बड़ी बात है ठीक है, मतलब उम्मीद नहीं थी पहुँचने की फिर भी पहुँच गए। ये खड़ी है अयोध्या कैंट दिल्ली, अच्छा ये यहाँ तक आ रही है गाड़ी, सिर्फ यही इकलौती गाड़ी है जो आ रही है, बाकी कोई गाड़ी नहीं आ रही है। देखो ऐसा कुछ सीन है, सामने तिरंगा लगा हुआ है और इधर कुछ ऐसा सीन है। भाई फाइनली हम आ गए राम जी की नगरी अयोध्या में, अच्छा लग रहा है जन्मदिन बताऊँ, अच्छा लग रहा है। सुबह 8 बजे आने वाला था, 2 बजे पहुंच रहा हूँ, लेट काफ़ी हो गया भाई। अभी स्टेशन देखो क्या ही मस्त स्टेशन बना रखा है इन्होंने, आगे टर्मिनल से है ठीक है, आगे कुछ अलग ही सीन है आगे देखो, और इस साइड में ये देखो काम चल रहा है इधर भी भाई, इस पे भी काम चल रहा है और जंक्शन पे तो चल ही रहा है। यहाँ से मंदिर 10 किलोमीटर की रेंज में है, तो चलो देखो ये गाड़ी जाएगी लेकिन इसका वहाँ पर होल्ट नहीं है,
अयोध्या कैंट पे होल्ड है, वहाँ पर होल्ड नहीं है इसका, तो ऐसा कुछ सीन है। तो ऑटो पकड़ेंगे यहाँ से, ठीक है चलो उतरते हैं और एंड करते हैं इसको। गाइस पूरे 6 घंटे बाद हम अयोध्या पहुँचे हैं भाई, पूरे 6 घंटे बाद फाइनली हम अयोध्या जंक्शन पहुँच गए। अयोध्या कैंट पहुँचे, जंक्शन नहीं पहुँचे, गाड़ी कैंट तक है, रास्ता वही है लेकिन वहाँ रुकेगी नहीं गाड़ी। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक अगले ब्लॉग में, जय श्री राम। सो अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं, मंदिर की ओर जा रहे हैं, बाहर निकलते हैं, ऑटो ऑटो देखते हैं क्या मिलेगा और क्या मतलब प्राइस क्या है, किराया क्या है, वो सारी चीज़ें हम बाहर निकल के फिर बताते हैं, ठीक है। यहाँ से निकलते हैं, कुछ खाते हैं, उसके बाद यहाँ से चलते हैं।